बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 मैथ्स 9th की। इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज को हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी भी आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके ऊपर जब लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग जब अलग अलग इन दोनों पे अप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, डिवाइड है अगर तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और अगर ये बेस चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ए बेस है यहाँ पे, लॉग ए बेस ए है यहाँ पे। जब बेस ए को आप कन्वर्ट करना चाहेंगे नई बेस में, तो आप एम का भी और ए का भी नई बेस के रिस्पेक्ट से क्या कर लें, लॉग लेकर उनको डिवाइड कर दें, तो बेस क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस के तौर पर एक्सप्रेस करना है। ये लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मल्टीप्लाई था तो ये प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो आपने जब लॉग को अलग अलग करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, डिवाइड में माइनस आएगा और मल्टीप्लाई में प्लस। अब यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, तो ये 21 प्लस, ये मल्टीप्लाई को प्लस से रिप्लेस कर देंगे और डिवाइड को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, डिवाइड को माइनस से रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये पावर आ रही है, पहले इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये रेडिकल साइन के साथ लिखा हुआ है, 7/15 की पावर 1/3। अब लॉग में यू नो के अगर पावर हो किसी एक्सप्रेशन पे, तो वो पावर क्या होती है, स्टार्ट में आ जाती है, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 7/15। अच्छा, बाय कोई भी टर्म अगर बैठी हुई है और लॉग को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एट दैट केस आपने ये करना है कि ब्रैकेट लगानी है, लॉग 7 माइनस लॉग 15, तो डिवाइड में लॉग को जब ब्रेक करेंगे, अगर पावर को शुरू में लेके आ गए, तो आफ्टर दैट अगर लॉग फर्दर कोई प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना यह है कि ब्रैकेट अप्लाई करनी है और उसके बाद आपने लॉग की प्रॉपर्टीज को लगाना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले की पावर 1/3, नीचे डिफरेंट पावर्स हैं, तो डिफरेंट पावर्स जब हो तो पहले आप डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे, 22 की 1/3 माइनस लॉग 5 का क्यूब। अब ये पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 लॉग 22 माइनस 3 को स्टार्ट में ले लॉग 5। अब यहां पे देखें 25 मल्टीप्लाई 47 और 29, दिस इज क्वाइट सिंपल, अगर ये इस तरह लिखा हुआ 25 प्लस लॉग 47 माइनस लॉग 29। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, यहां पे इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे फॉर्मेट में देख लेते हैं। अगर ये इस तरह होता 25 27 मल्टीप्लाई 29, राइट हो गया, यानी नीचे मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, अगर के नीचे टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है, तो एट दैट केस आप क्या करेंगे, आपने करना जो है कि लॉग 25 माइनस लॉग 27 माइनस लॉग 29, तो अब नीचे जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो माइनस ही आएगा। ये देख लें, अब ये है मल्टीप्लाई लेकिन माइनस हमने लगाया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहली दफा जो ऊपर है उसके लिए लॉग 20 लॉग ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद नीचे वाले जितने भी होंगे माइनस के साथ लॉग क्या होगा, स्प्लिट होगा। अच्छा, अब ये आपके पास एक उलट काम करना है, इसमें लॉग ओपन फॉर्म है, आपने इसको वापस क्लोज करना है, तो सबसे पहले आप जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें क्या करेंगे, पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 यहाँ पे आप देखें कोफिशिएंट है लॉग का, तो इसे एक्स की पावर, ये रिवर्स आप कर रहे हैं चीजों को, पावर जैसे शुरू में आ जाती है, अब शुरू में आती है वापस पावर बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह लॉग एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये नोट कर ले, जिनके साथ तो प्लस आ रहा है वो ऊपर आएंगे, लॉग जब एक बनेगा, ये देखें लॉग जब एक बनेगा तो जिनके साथ प्लस आ रहा है, इसके साथ कुछ नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है और इसके साथ प्लस आ रहा है, ये दोनों टर्म्स ऊपर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हो गया। ये बड़े गौर से देखें, जो प्लस वाली टर्म्स है मैंने उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो माइनस वाली टर्म्स होंगी वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगी, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देख लें जो प्लस वाली थी उन्हें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाली को नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास लॉग की क्या हो गई है, आप कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई है, इसको आपने बंद कर दिया, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और ये एक्स, और इसका फार्मूला भी खोल सकते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा भी अब ये देखें, ये log सिंगल log के तौर पे आपने एक्सप्रेस करना है, ये log को जब एक बनाएंगे तो मल्टीप्लाई प्लस की जगह पे आ जाएगा,
तो प्लस इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस इज रिप्लेस्ड बाय डिवीजन। तो अब यहां पे सबसे पहले अगर कोफिशिएंट है तो उसे पावर बनाएंगे, यहां जगह लॉग 25 माइनस लॉग 3 का स्क्वायर। अब ये बीच में माइनस आ रहा है तो जब लॉग 1 करेंगे 25 बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसे थोड़ा सा और अगर आप रीशेप देना चाहते हैं तो 25 बाय 9 ये सिंगल लॉग के तौर पे। अब इसमें भी देखें 2 आ रहा है स्टार्ट में, तो पहले आप इसको पावर बनाएंगे, अगर कोफिशिएंट कोई आ रहा है तो आप उसे क्या किया करेंगे पावर में कन्वर्ट कर दिया करेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई क्यूब, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें नोट करिए कैसे होगा, फोर्थ पार्ट ये आ गया लॉग 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है। ये प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा भैया अब ये देखिए, ये लॉग और लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई लॉग हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी है, ये देखिए ये जो कॉमन वाला होता है ये कट जाता है, ये बी देखिए कॉमन है दोनों में कट जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर आएगा, जो बेस है वो बेस आएगा। ये आपने अपने ध्यान में रखना है, कॉमन वाला कट जाएगा और कैसे इसको यूज करना है। इसको जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग ये 2 दोनों में कॉमन है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बेस इसी तरह रहेगा और 81 ऊपर है ये एज इट इज रह जाएगा, राइट हो गया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बेसिकली लेट करते होते हैं x के इक्वल, ये x इज इक्वल टू log 3 ऑफ 81 आ गया, हमने x की वैल्यू डिटरमिन करनी है। इसको ना सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप इसको ले जा सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लेकर जाएंगे, लेट्स सी, ये 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। तो अब 81 को इसमें ब्रेक करना है, ये 3 है ना बेस, तो इसको 3 में ब्रेक करना है। इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इट इज 3 की 4 आ गया, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स 4, तो x की वैल्यू हमने डिटरमिन करनी थी, यही हमारे पास क्या है रिजल्ट है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे x के इक्वल log 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई log 3 इंटू 25, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन टू से x फाइंड करना है, क्योंकि इसको x से इक्वेट कर दिया, अब x की जो वैल्यू होगी उसके सामने वाले की भी वही वैल्यू होगी। अब इसमें देखें 3 कॉमन है दोनों में, 3 काट देंगे हम लोग, तो बेस 5 लिखेंगे और ये 25 आ गया इज इक्वल टू x। अब इसको जरा सीधा करके लिखे log 5 की 25 इज इक्वल टू x, तो अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 5x 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी आंसर आ गया x की वैल्यू 2। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आपको log 2 की वैल्यू गिवन है, 3 की गिवन है, log 5 की वैल्यू गिवन है, आपने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है उनको लेकर। तो सबसे पहले ना हम ये जो भी नंबर आपको गिवन होंगे इनको आपने या तो 2 में ब्रेक करना है या 3 में या 5 में या तीनों में या दोनों में ब्रेक करना है, की बात। तो अब हम सबसे पहले ना 35 को ब्रेक करेंगे, 35 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, 32 को, सॉरी जाएगा 2 16s, 2 8s, 2 4s, 2 2s और 2 1s, आ गया लॉग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की 5 आ जाएगा, ये लॉग 2 की 5, 5 को शुरू में ले तो 5 लॉग 2 आ गया। तो अब log 2 के नीचे इसकी वैल्यू पुट कर दे, log 2 कितने के इक्वल है, 0.3010, क्या जाएगा 0.3010। अब इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई, ये log 2 है ना इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है, तो इसके नीचे स्ट्रेट अवे इसकी वैल्यू लिखेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो log 2 दोनों गायब हो जाएंगे, उनकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, 05015 आ गया, ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर है। अब इसी तरह 24 है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे, 24 2 12s 2 6s 2 3s और 3 1s, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी मल्टीप्लाई 3, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, 2 की 3 प्लस लॉग 3 पावर शुरू में 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3। अब आपने करना ही है कि जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, 0309 प्लस 0.4771, अब ऐड करें, 1, 3 और 7, 10 हो गया, 7 और 1, 8 हो गया, 4 और 9, 13 हो गया, तो ये 1.3804 आ गया।
ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये राउंड ये कंपाउंड फ्रैक्शन है तो इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 3 3 9 और 110 बाय 3। अब ये पावर फॉर्म में लिखे इसको 10 बाय 3 की पावर 1/2, पावर स्टार्ट में आ जाती है 1/2 log और 10 को ब्रेक कर दे 2 × 5/3। अब ये आ जाएगा 1/2, इस पे log की प्रॉपर्टी यूज करें। फिर मैंने आपको बताया था अगर स्टार्ट में कुछ आ रहा हो तो ब्रैकेट लगा के आपने ये सारी एक्सपेंशन करनी है −log 3। अब आपने वैल्यूज यूज करनी है, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 प्लस log 5 की 0.6990 माइनस log 3 की 0.4771। आपने इनको क्या करना है, प्लस माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा भी अब ये दो पार्ट है बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे, पहले आपने ना ब्रेक करना है 2 में, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3/3, log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें 2 की 3 माइनस log 3 आ गया, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी log 2 माइनस log 3 और ये आ गया 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771, ये आ गया 0909 ये पॉइंट माइनस 0.4771, इसको आप माइनस कर लें ठीक है। 12 में से 7 के बाकी 5, 9 में से 7 के बाकी 2 और 5 में से 4 के बाकी 9 में से 4 के बाकी 5, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह log 30 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे लाइक दैट जी, ये आपके पास हो जाएगा कितना 2 5 15 3 5 और 5 1, इसको आप लिख सकते हैं log 2 × 3 × 5 log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो अब जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, log 2 की वैल्यू 0.3010 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990। जब इनको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1.4771, ये आपके पास आ गया। इसका एक और भी तरीका है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा log 30 है ना तो वी कैन राइट इट एज 10 × 3 ठीक है। तो 10 × 3 log 10 प्लस log 3, तो log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। log 10 1, log 100 जो है ना वो अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो अब इनको ऐड करेंगे तो 1.4771 ये आंसर आ गया। अब एक बात आपने याद रखनी है, ये बेस 10 के कॉमन लॉग की हम बात कर रहे हैं, कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है, राइट हो गया। तो अब इसका मतलब ये होगा कि 10 के हिसाब से हम चलेंगे, लॉग 10 1 के इक्वल होगा, लॉग 100 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा, लॉग 1000 जो होगा वो 3 के इक्वल होगा, लॉग 10000 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 4 के, जितने जीरो हैं उतने के इक्वल होगा ठीक है। लॉग बेसिकली टेंस के क्या बता रहा होता है, जीरोस बता रहा होता है कि 10 कितने यूनिट है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10000 है, व्हाटएवर। इस तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है ना, ये आपको बता रही होती है कि टेंस या 100 या 1000 कितने, इस हवाले से ये होता है। तो ये आपने चेक किया यहाँ पे कि किस तरीके से हमने लॉग की अगर वैल्यूज गिवन हो तो उनको यूज करके हम लॉग की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं।